दोस्तों, दुनिया को धड़ाम कर चुका कोरोना वायरस अब भारत में भी घुटने टेक रहा है। पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से घटे हैं। आलम यह है कि भारत में कोरोना वायरस के मामले 2.51 लाख के करीब आए हैं, जबकि दुनिया में कोरोना वायरस को लेकर नए नए स्टडी का सिलसिला भी अभी जारी है। हर बार स्टडी में कोरोना वायरस को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा होता है, जिसके बारे में मैं और आप सोच भी नहीं सकते। इन सब स्टडीज में कभी आपको कोई खुशखबरी मिल जाती है तो कभी आपको चेतावनी। दोस्तों, इस बीच कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो भी अब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि कोरोना को लेकर ये भी दावा किया जा रहा है कि ठंड के खत्म होने से पहले कोरोना वायरस की तीसरी लहर भी खत्म हो जाएगी। आखिर कैसे, और क्या भारत के अलावा बाकी देशों में भी कोरोना की तीसरी लहर का अंत हो जाएगा? जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिसर्चर्स ने कोरोना से ठीक हो चुके 200 लोगों पर 3 महीने तक नजर रखी और उन्होंने लॉन्ग कोविड के लिए 4 फैक्टर्स की पहचान की। कौन से हैं वो 4 फैक्टर, आज मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ ही क्या दुनिया से कोरोना वायरस खत्म होगा या नहीं, या फिर लोगों को इसके साथ ही जीना पड़ेगा? आखिरकार अब वैज्ञानिक कोरोना वायरस को लेकर क्या क्या बड़े खुलासे कर रहे हैं? आज आपके इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो लिहाजा बने रहिए वीडियो के लास्ट तक आप मेरे साथ, क्योंकि दोस्तों ये मामला आपके परिवार और आपसे जुड़ा है। भारत में लगातार घट रहे कोरोना के मामले। दोस्तों, दुनिया में कोरोना के फैलने की जो रफ्तार थी वो वाकई में हैरान करने वाली थी। कोरोना जितनी तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा था, उसे देखकर देश डर गया था। लेकिन अब कोरोना को लेकर कुछ राहत भरी खबरें भी सामने आ रही हैं, जिसे जानकर आपका दिल भी बाग बाग हो जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2.51 लाख केस सामने आए हैं। इस दौरान 627 लोगों ने महामारी से अपनी जान भी गंवाई है। अच्छी बात ये रही कि देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के मामले घटे हैं। वहीं भारत में डेली पॉजिटिविटी रेट 15.88% है, जबकि इस दौरान भारत में कोरोना वैक्सीन की 164,44,73,216 डोज लगाई जा चुकी है। दोस्तों, ये बात तो आप भी जानते हैं कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो कोरोना को लेकर लगातार रिसर्च कर रहे हैं, जिनमें आए दिन हैरान करने वाले खुलासे होते हैं। अब हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिसर्चर्स ने कोरोना के ठीक हो चुके 200 लोगों पर 3 महीने तक नजर रखी। उन्होंने लॉन्ग कोविड के 4 फैक्टर्स की पहचान की है। आखिर क्या है वो 4 फैक्टर्स, मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आपको बताती हूँ कि ठंड के खत्म होने तक कोरोना की तीसरी लहर खत्म हो जाएगी या नहीं। क्या ठंड से पहले खत्म हो जाएगी तीसरी लहर? दोस्तों, काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU में कोविड मामलों के एक्सपर्ट प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने स्टडी में बताया कि कोरोना संक्रमण की अवधि पीक को समझने के लिए साप्ताहिक आंकड़ों का अध्ययन किया गया। इन साप्ताहिक केसेस में पीक का अनुमान लग गया। आपको बता दें कि प्रोफेसर चौबे ने बताया, वाराणसी में इतनी जल्दी केसेस का कम हो जाना यही बताता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का इन्फेक्शन रेट बहुत हाई था, क्योंकि दूसरी लहर में 1.5 महीने से ज्यादा का समय लग गया था। पीक ओवर 28 दिन तक चला था, जबकि तीसरी लहर में हाई इन्फेक्शन 2 सप्ताह तक चल सका। इसके बाद वायरस कमजोर पड़ने लगा। ये सर्वमान्य है कि जो वायरस जितना तेजी से फैलता है उनकी इतनी ही तेजी से ग्राफ नीचे भी गिरती है। ओमिक्रॉन के साथ ठीक वैसा ही हुआ। प्रोफेसर चौबे ने कोरोना के केसेस के वीकली रेट देखे, जो कि 9 जनवरी से 14 और 15 से 12 जनवरी तक यानी कि पूरे 2 सप्ताह संक्रमण काफी हाई रहा। इसके बाद इसका ग्राफ नीचे गिरने लगा। इससे ये पता चलता है कि अब कोविड संक्रमण का पीक अपनी समाप्ति की ओर है। हालांकि कोविड समाप्ति के दौरान मौतों की संख्या बढ़ी है, जो कि चिंताजनक है। मौतें कॉमोरबिडिटीज नेचर की हैं, मगर इनकी वैक्सीनेशन हिस्ट्री, वायरस लोड भी टेस्ट किया जाना चाहिए। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर लॉन्ग कोविड के 4 फैक्टर्स कौन से हैं, आखिर इनका मतलब क्या है, क्या है लॉन्ग कोविड का खतरा। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिसर्चर्स ने कोरोना से ठीक हो चुके 200 लोगों पर 3 महीने तक नजर रखी। उन्होंने लॉन्ग कोविड के लिए 4 फैक्टर्स की पहचान की है। सिएटल में रहने वाले जॉन जिलार्ड को मार्च 2020 में कोरोना हुआ था। वे कई दिन तक वेंटिलेटर पर रहे। अब उन्हें लॉन्ग कोविड की समस्या हो रही है।
दरअसल कोरोना से उभरने के बाद भी लंबे समय तक असर शरीर के अन्य हिस्सों में महसूस किया जाता है। कोरोना से उभरने के बाद किसी इंसान में खांसी, सांस की तकलीफ, ब्रेन फॉग, एंग्जाइटी समेत 20 में से कोई एक या उससे ज्यादा लक्षण बने हुए हैं तो उसे लॉन्ग कोविड हो सकता है। ऐसे ही लक्षणों के कारकों का पता करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक स्टडी हुई। इसमें रिसर्चर्स ने ठीक हो चुके 200 लोगों पर 3 महीने तक नजर रखी। उन्होंने लॉन्ग कोविड के लिए 4 फैक्टर्स की पहचान की है जो संक्रमित को कुछ सप्ताह बाद स्थायी लक्षण होने के बढ़ते जोखिम को दिखाते हैं। पहला कारक संक्रमण की शुरुआत में आने वाला कोरोना वायरस आरएनए लेवल है, जो कि संक्रमित व्यक्ति के खून में वायरस की मात्रा बताता है। वहीं दूसरा कारक कुछ एंटीबॉडीज है जो शरीर के गलत ऊतकों पर हमला करती है। ये हमला वैसा ही होता है जैसा हृदय, फेफड़े, हड्डियों के जोड़, त्वचा, दिमाग और किडनी, गठिया से संबंधित बीमारियों में होता है। इससे ल्यूपस कहा जाता है। जबकि तीसरा कारक एप्स्टीन बार वायरस का एक्टिव होना है। एप्स्टीन बार वायरस वह है जिसमें व्यक्ति का इम्यून सिस्टम ही उसको नुकसान पहुंचाने लगता है। इसके कारण उसे थकान, बुखार का आना, वजन का घटना, भूख न लगना, गले में सूजन जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इसका इलाज संभव है। इसके अलावा चौथा कारक टाइप 2 डायबिटीज़, यानी जिन्हें डायबिटीज़ होती है उनमें लॉन्ग कोविड का जोखिम होता है।